के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट, मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सिविल लाइन थाने में पुलिस अभिरक्षा में महिला की संदिग्ध मौत हो गई। महिला की मौत पर पुलिस के ऊपर सवाल निशान खड़े होने लगे कि आखिरकार चोरी के अंदेशे से लाई गई महिला को सिविल लाइन थाने में क्यों रखा गया था। जब महिला थाना उसके बगल में बना हुआ है तो उसे महिला थाने में क्यों नहीं रखा गया। कहीं ना कहीं इस मामले में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस द्वारा उसके साथ चोरी जैसी घटना में अंग्रेजी हुकूमत का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते महिला की थाने में ही मौत हो गई। मौत होने के बाद तत्काल पुलिस के हाथ पांव खड़े हो गए। उसे तत्काल संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा देखते ही मृत घोषित कर दिया गया। बताया गया कि रामकली केवट पति स्वर्गीय रूप नारायण के निवासी शिकारगंज थाना रामपुर नैकिन जिला सीधे अपने पति की मौत होने के बाद अपने बच्चों के साथ शहर के बिंदु विहार कॉलोनी यशवर्धन सिंह के यहाँ पर पेट पालने के लिए नौकरी कर रही थी कि अचानक यशवर्धन सिंह की पत्नी प्रतीक्षा सिंह ने अपने घर में देखा कि कुछ सोने चांदी के जेवरात गायब हैं। तो उन्होंने सीधा अपने घर पर काम करने वाली रामकली पर संदेह और प्रतीक्षा सिंह दोपहर को रामकली को पकड़कर सिविल लाइन थाना लेकर पहुंची, जहां पर पुलिस द्वारा रामकली केवट के ऊपर चोरी का मामला दर्ज कर रात में इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी पुलिस अभिरक्षा में ही मौत हो गई। इसके बाद सुबह पुलिस द्वारा उसके गांव में सूचना दी गई। सूचना पाते ही उसके परिजन संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां पर यशवर्धन सिंह एवं पुलिस के ऊपर मारपीट का आरोप लग रहा है। उनके द्वारा कहा गया कि मालिक और पुलिस की मार से रामकली केवट की मौत हुई है। पुलिस कप्तान को जानकारी मिलते ही वह सिविल लाइन थाना पहुंचकर परिजनों को मजिस्ट्रियल जांच का आश्वासन दिया गया। वहीं संजय गांधी अस्पताल रीवा पुलिस उप महानिदेशक KP वेंकटेश्वर राव पहुंचकर परिजनों को आश्वासन दिया कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यहाँ से 4 बजे भोर फोन गया, 4-3 बजे रात उसके बेटा के पास फोन गया, तुम्हारी माँ ऐसे की है, तो बोले कि पापा जैसे आप बात की लीजिए, मुझे उससे कोई संबंध नहीं, बेटा भी उसका कोई संबंध नहीं था। कहीं की ऐसे मतलब हाफ माइंड की थी, गाली गलौच मार सब कुछ करती थी, फिर घर में भी उसका कोई वो नहीं था, घर में भी सबको गाली मार हम लोग के पास साथ करती थी, अपने मम्मी पापा लोग के साथ, मतलब वो दिमाग से मतलब दूसरे टाइप थी, मतलब हाफ माइंड की थी, उसके पास इतना दिमाग नहीं था, ऐसे था उसके पास। किसकी यहाँ से सूचना मुझे कुछ नहीं दी गई थी, उसके मालिक जो बोले तो बोले, ठीक ना, उसके मालिक बोले कि आप लोग घर में रहना, हम लोग पूरा परिवार घर में थे, उसको गए वहाँ से जिसको इंजाम लगाई उसको लाया गया, उसको भी वहाँ ले गया था, उसको हम देखे मारपीट के, उसके मालिक बताया हमें कि मतलब इसको हम मारे हैं, करेंट छुआए हैं, थाना ले गए हैं, थाना वाले मारे हैं, तो भी एक ही के नाम बता रही है। हाँ, और इतना बोल के उसको चुप्पे चाप जो मतलब कि जो उसके साथ जिसको इंजाम लगा रही है उसे लाया गया यहाँ। हाँ, और उसके लाने के बाद सर न मेरे पास कोई फ़ोन से कंटेक्ट था, न संपर्क था फ़ोन से हमारी, उसका कोई नहीं था। कल मतलब कि कितने समय की बात है, 2 बजे की लगभग बात है, ठीक ना, दोपहर में फिर वहाँ से लाया गया, तो मेरे से ना तो मालिक से संपर्क था, फ़ोन से संपर्क था, ना तो सर लोग से मेरा था, कुछ कोई नहीं था। जब 4 बजे उसकी डेट मतलब मेरे के पता नहीं कितनी समय डेट हुई, जब इन लोग को ज़्यादा हुआ किसकी डेट वो हो जाएगी, ये ज़्यादा गंभीर में है, तब इन लोग से वो किए, आगे सूचना दिए, आगे वाले हम लोग के सर घर गए, घर जाने के बाद ये बोले मतलब कि ज़्यादा उसकी स्वास्थ्य ज़्यादा सही नहीं है, तुम लोग चलो, तो हम लोग के वहाँ से मतलब इस बोल के लाया गया है कि इसकी स्वास्थ्य सही नहीं है, तो चलो तुम लोग, सिर्फ हम लोग कितना बोला गया। वहाँ से जब हम यहाँ आए तो आप लोग से हमें वो हुआ कि मतलब कि उसकी डेट हो चुकी है। ये कल एक FIR दर्ज हुई थी थाना सिविल लाइन्स में, और जिसमें एक परिवार ने उनके यहाँ काम करने वाली महिला पे आरोप लगाया था, और जिसके आधार पे महिला को संदेह के आधार पे उसको पूछताछ के लिए लाया गया था, और रात में उसकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई है। और चूंकि ये मामला पूरा देखते उसको कस्टोडियल डेथ का मामला माना जा रहा है, तो इसलिए फिर हमने इसमें जुडिशियल इंक्वायरी की अनुशंसा की है, जिसके आधार पे माननीय DA साहब ने एक उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया, जो कि इसकी पूरी घटनाक्रम की जांच करेंगे। उसमें डॉक्टर के पैनल से पूरा इसका PM हो रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है, और जो परिजन है उनके सबके कथन और जो भी साक्षी और साक्ष्य रहेंगे उसके आधार पर जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट हमें दी जाएगी। परिजन मिले से कितने काम कर रहे थे, उनका कहना था कि करंट लगा कर उसको मतलब उनको मारा गया है, कुछ उनका कहना था। हाँ, कुछ संदेह व्यक्त कर रहे थे, और जो जिनके यहाँ काम करते थे उन पे भी संदेह ये व्यक्त कर रहे थे, तो सारी चीज़ें उनके उस पर आएगी, जैसा कथन वो देंगे और जैसा मजिस्ट्रेट जुडिशियल इंक्वायरी में जैसा पाया जाएगा उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये एक यशोवर्धन सिंगर है, उनके घर पे मेड की तरह काम करती थी, वहीं रहती थी।